भैया हमारा नाम है बाबा राम शरण दास। अच्छा, कैसे आपने कार सेवा की उस समय अयोध्या जब आंदोलन चल रहा था और आज राम मंदिर बन रहा है, आप लोगों का सपना सच हो रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमको तो ये लग रहा है कि बड़ा भाग्य है हमारे शरीर का जो हम वर्तमान है, कि बहुत से हमारे साथ के लोग तो राम जी को प्यारे हो गए, समझे। इसमें एक रामाचल गुप्ता थे जिनकी मैंने कार सेवा में जब मृत्यु हुई उसके बाद उनका समाधि का जो कलश था उसको लेकर के पूरे जनपद भर में हम घूमे। जितने भी कार्यक्रम इसके हुए, जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी धर्म संसदें हुई, किसी को मैंने छोड़ा नहीं। दिल्ली लो, प्रयागराज लो, अयोध्या लो, समझे। यहाँ 83 में एक पैदल की रथ यात्रा आई थी, उसको मैंने रुदौली से टैकल किया था और जो है मल्हौर तक पैदल गए थे उनके साथ। उसके बाद जब मुलायम सिंह ने ये नारा दिया कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, तो कुछ हरियाणा के भक्तगण थे, कुछ करीब करीब हमारी 100 की संख्या थी, तो हम लोग जो है छुपते छुपाते खेतों खातों होकर के इधर से निकल के जा रहे थे, तो जो सफदरगंज पलरी है उससे थोड़ा पहले हमको जो है चारों तरफ से घेर लिया गया। और भोलानाथ यादव उस समय के कोतवाल थे, उन्होंने जो लाठियां बरसाई हैं कि किसी को कहीं चोट लगी, किसी को कहीं चोट लगी, और सबको जो है जबरदस्ती उठा उठा के जो है बंद करके बंद कर दिया, सबको ला करके सीधे यहाँ सीधे जेल ले गए। कोतवाली भी नहीं ले आए हमको, न कोई रिकॉर्ड, न कोई देखना, न कुछ, न सुनना। वैसे मेरा पुराना नाम राम प्रसाद गुप्ता था, मेरी बाजार में दुकान भी थी, इस कारण मेरी दुकान कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया, परिवार में इत्तेफाक हो गया, फिर हमारा मन जो नहीं लगा, फिर हम साधु हो गए। तो उस समय जब कारसेवकों पे गोली चली थी तब आप कहाँ थे? हम जेल में थे। अच्छा, तो कब पता चला आपको, तो क्या कैसा महसूस किया आप लोगों ने? हम लोग तो करीब करीब बहुत से लोग तो रोने लगे, हमको तो शाम को एक जनों के पास ट्रांजिस्टर था, वो भी छिपा के ले गए थे, तो ट्रांजिस्टर पर सुनने को मिला कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली, और कई जगह पर भगदड़ में कुछ लोग सरयू में कूद गए, कुछ वो हो गया। रामाचल गुप्ता का उसी में मैंने सुना कि रामाचल गुप्ता को गोली लगी, मगर बाद में पता चला जब हम बाहर से आए 27 दिन बाद, मेरा यहाँ मुझको सीट रखा, उसके बाद रात को 12 बजे जो है हम लोगों को यहाँ से सुल्तानपुर ट्रांसफ़र कर दिया। सुल्तानपुर में हम 27-28 दिन रहे, उसके बाद फिर वहीं पर जो है गोलीकांड हुआ, चले चले जलते हुए हम लोगों पर लाठियां बरसाई गई। तो यहाँ एक हिंदू करके रसूलपुर के डॉक्टर थे, उनके लड़के के दोनों हाथ टूट गए, एक जो थे वो एटा के लोग थे उनके दोनों पैर तोड़ दिए गए, एक हाथ टूट गया था, मतलब इस तरीके से बहुत बड़ा जुल्म हुआ। हम यहाँ से चित्रकूट और आज की यात्रा करते हुए हम जा रहे थे अमरकंटक, तो वहाँ मालूम हुआ कि कार सेवा होनी, तो हम वापस वहीं से वापस आ गए 92 में, जबलपुर से 92 में यहाँ शाम को आए। अगले दिन जो है कार सेवा शुरू हुई, तो हम गुम्मत के पास वाली बाउंड्री पर थे, हमने जो कार सेवा का दृश्य देखा शायद किसी ने देखा हो, ये जो कटीले यूँ तार लगे होते हैं उनके बीच में लोगों ने अपने ओवरकोट डाल करके और 2-3-4 आदमी लेट गए, उनके ऊपर से लोग फान फान के निकले उस पार अयोध्या में और वो फिर जाके वो पहुंच गए ऊपर, वहाँ मीटिंग हो रही थी, मीटिंग वालों ने बहुत कहा नीचे उतराओ, नीचे उतराओ, बालू डालो, गंगा जल डालो, कार सेवा करो। फिर उस समय किसी ने कुछ नहीं सुनी, कम से कम 5,000 आदमी ऊपर चढ़ गया। सबसे पहले जो प्याला गिरा बाई ओर का, इस तरफ का गिरा, जिसकी जिसमें लोग मना करते करते भी बहुत लोग उत्साहित होकर के उसके नीचे चले गए, जो कम से कम मेरे अनुमान से 150 आदमी मर गया उसके अंदर। अच्छा, वो प्याला सीधा है यूं, और इसकी जो बाउंड्री थी पाइपों की, 2 इंची पाइप की बाउंड्री थी, उसको लोगों ने हिला हिला के ऐसे ऐसे, और उसी से जो निकले, उसी से जो पाइप निकले उन्हीं, वही हमारे लोगों के साबल थे, वही हमारा हथौड़ा था, वही था उसी से। तो सबसे पहले इधर वाला गुम्बद गिरा, फिर उसके बाद इधर वाला गुम्बद गिरा, शाम को 5:30 बजे बीच वाला गुम्बद गिरा। अच्छा, तो आज राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी उसकी जी, तो कैसा लग रहा है, आप लोग का सपना एक तरह से सच हो गया? हम तो यही समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा जो हमारे
इष्ट का मंदिर हमारी आंखों के सामने बन के तैयार हो रहा है, वरना हम लोग हम तो ये न उम्मीद किए बैठे थे कि अब ये बनना मुश्किल है दिखता था, मगर फिर भी ये हम उन महापुरुषों का जो है धन्यवाद अदा करेंगे जिनके कारण आज ये बना, पहले वालों का भी जिन्होंने अपनी आत्मुक्ति दी, आत्म बलिदान दिया, जैसे कोठारी बंधु थे और भी कई लोग थे, सिंघल जी के यहाँ पर जो है ये लाठी पड़ी थी यहाँ पर जो पकड़े थे रुमाल से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।